नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। इस वक्त हम हैं डॉट इंस्टीट्यूट पे, क्योंकि रेवाड़ी में कोचिंग इंस्टीट्यूटों की बाढ़ आई हुई है। कहें किस तरीके से एक के बाद एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, और ऐसे में रेवाड़ी का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो है डॉट कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज उसके दोनों डायरेक्टर हमारे साथ हैं, एक बार उनसे बातचीत जरूर करेंगे कि आखिर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो क्या विजन है, क्या रीजन है, कौन है, किस तरीके से ये चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं पहले दोनों का परिचय करा देता हूं। ये हमारे साथ है कुंदन जी, जो डायरेक्टर है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और साथ में है राहुल जी। दोनों डायरेक्टरों से आज खुलकर बात होगी, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूटों को लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं कि कैसे किराए के भवनों के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं, और किस तरीके से कोचिंग के नाम पर लोगों से लूट होती है। लेकिन ऐसे में उनका क्या विजन और क्या रीजन है, ये एक बार इनसे जानना जरूरी है। हमने इनसे बाकायदा टाइम लिया है बात करने के लिए, और बड़ी मशक्कत के बाद ये हमारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हुए हैं। हर तीखे सवाल इनसे किए जाएंगे। जनाब, पहले तो ये बताइए आपका शुभ नाम, पूरा परिचय। कुंदन कुमार, मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई IIT दिल्ली से हुई है, और हम लोग अक्टूबर 2020 में डॉट के नाम से रेवाड़ी में इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए थे। अभी हम लोग 3 साल कंप्लीट किए हैं और नए सेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और मतलब आप टाइम निकाल के आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, 3 साल से चला रहे हैं और IIT की हुई है, लेकिन सवाल ये है कि जिस आदमी ने इतनी पढ़ाई की है उसने अहिरवाल के रेवाड़ी को क्यों चुना है? आपको रेवाड़ी क्यों चुना? आप तो दिल्ली भी कर सकते थे, गुड़गांव कर सकते थे, अन्य महानगरों में आप कर सकते थे कोचिंग इंस्टीट्यूट। रेवाड़ी को चुनने का क्या वजह? यहाँ पैसा ज्यादा है, यहाँ स्टूडेंट ज्यादा है, या फिर मनमर्जी कमाई यहाँ पर हो सकती है, या टारगेट आप लोगों का भी है कि भाई सिर्फ आपको पैसा चाहिए कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम पर? सर, मैं सच बताऊं तो रेवाड़ी में जो हम लोग आए थे, तो रेवाड़ी में एक स्कूल था, वहाँ पे हम लोग नौकरी करने आए थे। जुलाई 2020 में हम लोग रेवाड़ी आए, जहाँ पे हमने काम धाम किया, वहाँ पे सैलरी वगैरह भी टाइम पे नहीं मिली और वो सेंटर बंद हो गई। तो पेरेंट्स जो हम लोगों से वहाँ पे जुड़े हुए थे, उनके डिमांड की वजह से अक्टूबर 2020 में डॉट की शुरुआत हुई। और ये कोई प्लान्ड गेम नहीं था कि मुझे डॉट शुरू करना था, बट वो ऐसा इंसिडेंट हुआ पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ, जो इमोशनल लगाव थे उसके आवेश में आके हम लोगों की 3 लोगों की टीम थी, जो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को खड़ा करने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि हमारे पास जो फैकल्टीज थी उसको पे करने का हमको मतलब ना ही बजट था ना ही पे करना था। हमारे पास 3 लोग अवेलेबल थे जो कोचिंग को चला सकते थे, और हमारे पास बच्चे भी थे, तो इस वजह से हमने कोचिंग सेंटर स्टार्ट की। उद्देश्य ऐसा नहीं था कि मुझे रेवाड़ी करना था या दिल्ली करना था। मुझे सच बताऊं तो मुझे कोचिंग स्टार्ट ही नहीं करनी थी, क्योंकि मैं जस्ट IIT ग्रेजुएट होके आया था और मेरे को टीचिंग में इंटरेस्ट था, मैं टीचिंग कर रहा था, मेरे को करनी जॉब थी, बट वो इंसिडेंट ऐसा हुआ कि कोचिंग स्टार्ट हो गया। इंस्टीट्यूट यानी कि चलाना पड़ा, मजबूरी है, जाहिर है, पढ़े लिखे हैं, किस तरीके से एक संस्थान में नौकरी कर रहे थे, और कहते हैं जब रास्ता बनता है तो कोई ना कोई तमाम चीजें हो जाती है, और ऐसा ही इनके साथ हुआ। लेकिन इनके साथ राहुल जी भी हैं, उनसे भी एक बार जानेंगे, लेकिन जो इन्होंने बताया उससे लगता है कि ठोकर खाई हुई है, सपने कहीं और थे, जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए, लेकिन ये क्या मुकाम पर इनको लेकर के जाएगा ये अभी देखना होगा। कुंदन जी कह रहे हैं राहुल जी कि हमारी तो मंशा नहीं थी कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने की, वक्त और हालात की स्थिति ने हमें यहाँ मुकाम पे पहुंचा दिया। क्या विजन रीजन था कोई आप लोगों के पास? आप 3 लोगों की टीम इकट्ठा हुई। सबसे पहले नमस्कार सभी लोगों को जो हमें सुन रहे हैं और सुनेंगे, और आपका भी धन्यवाद कि आप हमारी बातों को लोगों तक पहुँचाएंगे। जैसा कि सर ने बताया, हमारा कोई ऐसा था नहीं, इरादा पहले से हमने कोई प्लान नहीं किया हुआ था कि हमें कोचिंग स्टार्ट करनी है, बट एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि ये स्टार्ट तो हमने सिचुएशन के हिसाब से किया है, बट अब मज़ा आने लगा है, और वो मज़ा ऐसा आ रहा है कि इसमें बिल्कुल हम लोग रमसा गए हैं। और अब जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा मिशन बन गया है, वो जिस तरीके से हमारा स्टैंडर्ड है, मतलब हम लोग, मैंने खुद IIT बॉम्बे से पढ़ाई करी है, सर IIT दिल्ली से है, जो देश के टॉप IITs हैं, तो हमारा मिशन बन गया है कि जो हमारा स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड का जो इंस्टीट्यूट है वो हम रेवाड़ी के अंदर एस्टेब्लिश करें।
ये जो टॉप 100 के अंदर जो रैंक होते हैं, टॉप 500 के अंदर जो रैंक आते हैं, वो अभी तक ऐसा है लोगों में, यहाँ के लोगों से मिलके ऐसा हमें लगता है कि ऐसी धारणा है कि ये आ सकता है तो कोटा से आ सकता है, सीकर से आ सकता है, बट ऐसी बात नहीं है। हम उसको यहीं से करके दिखाने वाले हैं, और ये 1-2 साल के समय के अंदर में हम आपको रेवाड़ी के अंदर से टॉप 100 के अंदर रैंक देंगे, देना स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हर साल देंगे। अभी तक जो हमारे हमने जो अभी तक IIT में रिजल्ट्स दिए हैं, उसमें हमने लगातार सुधार किया। जैसे पिछले वर्ष हमारा जो सबसे बेहतर रैंक था वो 2267 था, जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा रैंक है, और वो बच्चा IIT दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है। उसके बाद हमारे जो भी बच्चे यहाँ से हमने अभी तक जितने हमारे बच्चे निकाले हैं, उनमें से बच्चे हमारे लगभग देश के टॉप IIT में हमारे बच्चे पढ़ाई ऑलरेडी स्टार्ट कर रहे हैं। बट अब हम लोग लेकिन इससे सेटिस्फाइड नहीं है अभी तक, हमें और आगे जाना है, हमें और वहां तक जाना है कि जो टॉप 100 रैंक है ना, वो रेवाड़ी से आने स्टार्ट हो, तब जाके हम अपने आप को मानेंगे कि ना हमने कुछ अचीव कर लिया। जाहिर है ये दोनों युवा हैं, और जिस तरीके से जो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के हब बने हुए हैं, चाहे दिल्ली का मुखर्जी नगर हो या राजस्थान का कोटा हो, और जिस तरीके से भ्रम फैलाया गया है कि यहाँ कोचिंग लेने वाले बच्चे ही टॉप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में एक छोटे इलाके को चुनना कहीं ना कहीं इनकी समझदारी की दाद देता है। चाहते तो ये भी महानगरों के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लेते जैसे तैसे करके, लेकिन रेवाड़ी जैसे इलाके को चुना है तो, और युवा है साथ के अंदर, तो जाहिर है नई सोच है, नए सपने हैं। इनसे एक बार बात करते हैं। आप भी बताइए, आप तो महानगर भी खोल सकते थे, और जैसा भी बताया राहुल जी ने कि राजस्थान का कोटा हो, दिल्ली का मुखर्जी नगर हो, या फिर और जो जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के हब है, उन्होंने एक ओरा खड़ा कर दिया कि यहीं के बच्चे टॉप कर सकते हैं, छोटे इलाकों में कोचिंग इंस्टीट्यूट कराने वाले जो है यहाँ के बच्चे टॉप नहीं कर सकते। इस तिलिस्म को तोड़ना है आप लोगों को, या तोड़ पाए हैं आप? सर, जब हम लोग 2020 में डॉट स्टार्ट किए थे, तो पहली बार जो बेस्ट रैंक थी वो हम लोग लगभग 4-5 महीने पढ़ा के 4 एडवांस में सिलेक्शन दिए थे, जिसमें हाईएस्ट रैंक 17,230 था। उसके बाद जो बच्चा जेई एडवांस 2022 में क्लियर किया, उसका 6,127 रैंक था। लास्ट ईयर हम लोग 2,267 पे पहुंच चुके हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ वो जनरल रैंक की बात कर रहा हूँ, ये किसी तरीके का डिग्री रैंक नहीं है। तो हम लोग 2,000 रैंक तक पहुंच चुके हैं। लेकिन जब हम बात करें कि नहीं, हमको इससे भी आगे जाना है, तो इससे आगे जाने का जो सपना है वो हम लोग के पास इस वजह से है क्योंकि हम लोग जिस IIT से पढ़े हैं, IIT दिल्ली से मैं खुद पढ़ा हूँ, वहाँ पे जो टॉप रैंकर्स थे 100 रैंक के अंदर, मतलब 50-25 ऐसे पढ़े रहते हैं, तो वहां पर जो कंपटीशन का लेवल जो हमने देखा है वो हम लोग के अंदर ऑलरेडी हमने देखा है। और वो बच्चे जो हैं वो बहुत शुरू से ही तैयारी करने लग जाते हैं, जैसे 8, 9, 10 में वो प्रॉपर फाउंडेशन सेक्शन में पढ़ते हैं। फायदा क्या होता है 8, 9, 10 के बच्चे जो फाउंडेशन करते हैं, जैसे हम लोग अपने टाइम पे अगर बात करें तो 9, 10 में करना क्या था ये क्लियर नहीं थी कि मतलब क्यों करना है, क्या करना है, कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन अगर 8, 9, 10 के बच्चे को हम जैसे टीचर्स अगर गाइड करें जो ऑलरेडी टॉप IIT से पढ़े हुए हैं, अगर उनको इस कंपटीशन की भावना से पहले उनको अगर ढाल चुके होंगे, तो उसके अंदर जो कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है वो टाइम के साथ कहीं ना कहीं रैंक में इम्प्रूव करके दिखाएगा। और ऑब्वियसली हम लोग मतलब अपने जो टीम है हमारी जो मेहनत कर रही है इसके पीछे दिन रात, हमको भरोसा है कि हम लोग 2025 में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद हम लोग 100 के अंदर रैंक दे देंगे। तो अभी आपके पास स्टाफ कितना है, क्या एजुकेटेड स्टाफ है, कितना स्टाफ है, कितनी स्ट्रेंथ बच्चों की है आपके सर? कोचिंग हम लोग के पास जो स्ट्रेंथ है वो टेंटेटिव अभी हम लोग 225 के आसपास हमारे पास बच्चे हैं टोटल। स्टाफ जो है अभी हम लोग 7 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जिसमें हम लोग 6 लोग IIT ग्रेजुएट हैं, और बायो वाली मैम जो है वो 11 साल एक्सपीरियंस है, बनस्थली यूनिवर्सिटी से पढ़ी है। जितने भी हमारे पास जो स्टाफ है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले लोग हैं, सारे लोग IIT ग्रेजुएट। तो आप एक बात बताइएगा, जैसा भी आपने बताया 8th में 9th में अगर बच्चा अगर तैयारी करने लग जाए IIT की, नीट की, और उसको कोचिंग मिलने लग जाए, क्या ये सोच पहले थी? पहले तो ये लगता था जब हम सुनते थे कि भाई बच्चा +2 में है, IIT करेगा, आगे जाकर के तैयारी करेगा उसकी नीट की, IIT की, तो क्या अभी 8वीं 9वीं कक्षा से बच्चों को तैयारी करनी चाहिए? तैयारी बिल्कुल करनी चाहिए। अगर हम लोग अगर ये मिशन प्लान करके चल रहे हैं कि हम रेवाड़ी से अंडर रैंक अगर हम प्रोड्यूस करें, तो मुझे लगता है ऐसा कि ये चांसेस तभी बढ़ पाएंगी जब हम उन बच्चों को
शुरू से ट्रेंड पे। और अगर नवीं दसवीं या ग्यारहवीं में कोई बच्चा उसके बाद अगर तो कोचिंग लेता है तो क्या नींव में कमी रह जाती है? नींव में कमी भी रह जाती है। दूसरी बात की अभी जैसे कोविड वगैरह का टाइम आया था, उस टाइम पे बच्चों का पढ़ाई काफी हद तक डिस्टर्ब हो गया था और बच्चे ऑनलाइन बहुत ज्यादा मूव किए जिसकी वजह से उनको पर्सनल ग्रोथ मिल नहीं पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, इलेवेंथ और ट्वेल्थ में हम पढ़ा के बच्चों को आईआईटी तो भेज पा रहे हैं, लेकिन अगर ये सपना देख रहे हैं कि हम रेवाड़ी से और डॉट इंस्टीट्यूट से इनफैक्ट हम 100 के अंदर अगर रैंक देना चाहते हैं तो वो तभी हम कर पाएंगे जब बच्चे मुझे शुरू से मिलेंगे, तभी कर पाएंगे। जाहिर है बच्चों की नींव मजबूत होगी, जिस मकान की नींव मजबूत होगी उस पे आप कई मंजिल खड़ी कर सकते हैं। अगर नींव कमजोर है तो जाहिर है वो 2-3 मंजिल के बाद मकान नीचे बैठ जाएगा और यही आपके बच्चों के भविष्य के साथ है। अगर आप 8वीं 9वीं कक्षा के अंदर ही उसे कोचिंग दिलाएंगे, तैयारी करवाएंगे आईआईटी नीट की, तो बच्चा आगे जाकर के मजबूत मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, प्रचार प्रसार करते हैं, पानी की तरह पैसा बहाते हैं, कईयों के पास बिल्डिंग नहीं है, अपनी किराए के भवन में चल रहे हैं। आप लोगों ने ऐसे क्या ग्रोथ की है कि आज आपकी खुद की बिल्डिंग हो गई, तमाम चीजें आपके पास सुविधा है? चर्चा में इस वक्त आपका डॉट इंस्टीट्यूट है रेवाड़ी के अंदर, जहां जहां नाम सुने डॉट डॉट डॉट, आखिर डॉट की फुल फॉर्म क्या है? डॉट क्या है आखिर? डॉट तो एक शब्द के बाद लगाया जाता है, एक वाक्य के बाद। देखिए, जब हमने भी शुरुआत करी थी तो हमारे पास भी अपना कोई बिल्डिंग नहीं था, लेकिन धीरे 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 हमने जो पिछले 3 साल बीते हैं उसमें हमने अपना खुद का बिल्डिंग लिया है और हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। ये बिल्डिंग लेने का ये जो हमारा ये कोई दिखावा या वैसा कुछ नहीं है कि हम, ये है कि बच्चे को एक बेहतर जो अप टू द लेवल जो एक सुविधा होती है ना, वो बच्चों को मिलनी चाहिए। क्योंकि जो गरीबी और तकलीफ में आप क्रिएटिविटी नहीं निकाल सकते हैं, आपको अगर कुछ बेहतर करना है तो उसके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया होता है, बेसिक नीड होती है, वो मिलनी चाहिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक महत्वपूर्ण अंग है, जो जाहिर सी बात है कि अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके हम बाकी फैक्टर्स पे फोकस कर पाएंगे। तो उसी क्रम में हमने हमारा जो भी हमने अपने अपने स्तर पे ट्राई किया है कि ये हमारा सबसे जो बेस्ट हम कर सके वो हमने किया है अपने स्तर पे कर सके। जाहिर है तैयारियों में लगे हुए हैं, बहुत कुछ करने का सपना है। दोनों युवा हैं, एक इनके और साथी है वो बाहर गए हुए हैं। 3 बंदों की टीम बताना चाहती है कि ये तिगड़ी क्या कुछ कर सकती है। और रेवाड़ी को चुना है इन्होंने, रेवाड़ी छोटे से शहर में शुरुआत की है और इसी को महानगर बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर सवाल आता है कि जिस तरीके से कोचिंग इंस्टीट्यूटों में एक से बढ़कर एक मामले सामने आए, पिछले दिनों देखा होगा आपने कोचिंग इंस्टीट्यूटों में आग लगी, किस तरीके से बच्चे छतों से कूदे और किस तरीके से वहां पूरा वाकया हुआ, उसको लेकर के क्या सुविधा है? क्योंकि जानकारी मिली है इनका हॉस्टल भी चलता है और इनके पास रेवाड़ी ही नहीं, आसपास के बाहर के बच्चे भी पढ़ते हैं। आपके पास वो सुविधा है जिस तरीके से पिछले दिनों देखा हुआ कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी, बच्चों को कूदना पड़ा, या आपने भवन सुरक्षित ये बनाया है पूरा? भवन जो हम लोगों के लैंडलॉर्ड है वो भवन सुरक्षित है ऑलरेडी, और हमारे पास डबल एग्जिट गेट है, इसमें एक मेन फ्रंट गेट पे है और एक हम लोग बैक गेट भी दिए हुए हैं ताकि इमरजेंसी एग्जिट बहुत आराम से हो सके, और फायर वगैरह का भी हम लोगों ने वो करवा रखा है ऑलरेडी, एनओसी वगैरह ली हुई है। लेकिन सवाल मेरा फिर था कि आपने हॉस्टल भी चलाए हो, कहाँ कहाँ के हॉस्टल? हमारे पास यहाँ पे नहीं है एक्चुअली, धाराचुंगी के पास मेट्रो हॉस्पिटल के बैक में हम लोगों का हॉस्टल चलता है, वहाँ पे हमारे पास बिहार के भी बच्चे हैं, हमारे पास एमपी से बच्चे हैं, यूपी से बच्चे हैं, इनफैक्ट आसाम दिल्ली और हरियाणा के भी लोकल बच्चे हैं, जैसे महेंद्रगढ़ एरिया के भी बच्चे हैं हमारे पास, राजस्थान के कुछ बच्चे हैं हमारे पास हॉस्टल में। तो जो आप लोगों की फीस है, क्या अहिरवाल का बच्चा अफोर्ड कर पाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट की, आपने बच्चों की जो कोचिंग की फीस रखी हुई है क्या उसको अफोर्ड कर पा रहा है? हम लोगों का जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो हम लोग जो एडमिशन वगैरह लेते हैं वो स्कॉलरशिप टेस्ट के बेसिस पे लेते हैं। हम लोग का फीस बच्चा टू बच्चा वेरी करता है, उसका सिंपल है कि अगर कोई बच्चा मेरिट के हिसाब से अगर बहुत अच्छा है तो मतलब आजकल हर कोचिंग सेंटर और हर स्कूल उन बच्चों को नॉमिनल फीस में पढ़ाती है और हम लोग भी पढ़ाने को तैयार हैं। जो फीस है, जो अगर मैं स्कूल के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पे जितना स्कूल का फीस जो साल भर में चार्ज करते हैं
उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 50% है, 50% है, क्योंकि स्कूल भी आईआईटी और नीट की तैयारी कराते हैं। ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पूरी मेहनत करता है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी बहुत सारे खर्चे हैं, स्टाफ है, मैनेजमेंट है, तमाम चीजें हैं, लेकिन यहां पर जिस तरीके से ये जो टीम हम आपको दिखा रहे हैं, डॉट कोचिंग इंस्टीट्यूट रेवाड़ी के मॉडल टाउन में स्थित है, जो चर्चा है। अभी बताइए, नया विजन कोई आप लोगों के पास कोई है कि इस बार जो नया सेशन चलेगा, क्या टारगेट आप मानते चल रहे कि कितने एडमिशन आपके पास हो जाएंगे? क्योंकि अभी सरकार की गाइडलाइन आई है कि आठवीं नवीं कक्षा के बच्चों को और या स्कूल टाइम में आप कोचिंग नहीं दे सकते। जो एडमिशन का तो वो तो देखते हैं लोग हमें किस तरीके से पसंद करते हैं ना पसंद करते हैं वो तो, लेकिन नए सेशन के लिए, नया सेशन आने वाला है, उसके हिसाब से हमने आपको अपने आप को प्रिपेयर किया है। और बाकी बात रही, जैसे हमने जेई के क्षेत्र में तो अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया है और प्रूव भी किया है, लोग भी इस बात को सराहते हैं, मानते हैं। बाकी बात रही नीट सेक्शन की, तो नीट सेक्शन हमने पिछले साल ही शुरू किया है, और उसमें आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि नीट का जो करिकुलम है, जो उनका टेस्ट होता है, किस तरीके से क्लासेस लेंगे, वो डायरेक्टली मैं खुद सुपरवाइज करता हूँ, उसमें 1% त्रुटि होने का अब कोई गुंजाइश नहीं है। उनका टेस्ट कैसे होगा, हर चीज जो है हम चाहते हैं कि अप टू द लेवल हो, मतलब उससे बेहतर ना किया जा सके, हम उस लेवल तक, उस सीमा तक जाना चाहते हैं। और जब तैयारी हमारी इस तरीके की है, तो हम उम्मीद भी करते हैं कि लोग जो है वो हमें मौका जरूर देंगे। तो पढ़ाई तो कहते हैं समुद्र है, ये तो कभी खत्म नहीं हो सकता, जितना आप पढ़ोगे ज्ञान बढ़ेगा, जितना आप पढ़ाओगे और नई नई चीजें सामने आएगी, तो क्या लगता है समुद्र को आप पार कर पाएंगे? समुद्र को पार जब एक बार, समुद्र तो है ये, बट उसके बाद एक बार जब इसके आप अंदर जाते हैं और जब आपको मजा आने लगता है, तो ये समुद्र की तरह आपको दिखता नहीं, आप उसी में रहने लगते हैं। समुद्र में मछली रहती है बहुत सारी, तो उनको मजा आता है वहां। तो अगर आपको एक बार पढ़ाई में मजा आने लगता है, तो ये आपके लिए कुछ बड़ी चीज, कोई डरावनी चीज, मतलब आपको समुद्र में से व्हेल मछली निकालनी है, कहने का मेरा सीधा यही मकसद आप लोगों जी, आप ऐसा कह सकते हैं, समुद्र में से व्हेल मछली निकालनी है, और जो उसको निकाल लाएगा मान लीजिए वो ही कोचिंग इंस्टीट्यूट में कामयाब होगा। क्योंकि बच्चे तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूटों में हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना और उनको पास आउट करवाना एक अलग बात है। बच्चों के दिमाग में टीचर नहीं घुस सकते, लेकिन बच्चा पढ़े कैसे। पिछले दिनों इन्होंने एक सेमिनार किया था बाल भवन में, वो भी हमने आपको दिखाया था अध्ययन के नाम से, और उसी को डॉट ने स्पॉन्सर्ड किया था, और उसी के बाद ये चर्चा का विषय बना, क्योंकि अभिभावक आए, कई अभिभावकों के एचआर न्यूज के पास फोन भी आए कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट जो स्पॉन्सर करा रहा है प्रोग्राम को, इसकी क्या विश्वसनीयता है। और वो हमने लर्नर टू लीडर के जो संयोजक थे, जो संचालक थे, उनसे हमने बात भी कराई थी आपकी। जाहिर है आने वाले दिनों में और कार्यक्रम होंगे, लेकिन जो चर्चा इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की है, इसीलिए इससे बात करना बेहद जरूरी था। तो ये तमाम चीजें हमने सुनाई, और आगे भी हमारी निगाह इस कोचिंग इंस्टीट्यूट पे बनी रहेगी, जो भी अपडेट होगा वो आपको देंगे। फिलहाल इतना ही, कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज रेवाड़ी।